पानी के दलालों को, दुर्ग की जनता को पानी देना होगा, देना होगा, देना होगा। के बीच आपका क्या काम था यहाँ पे? देखिए, मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि विधायक के कारण पानी नहीं मिल रहा है, तो मेरे को उनको बताना जरूरी था कि विधायक के कारण, मतलब दुर्ग के मतदाताओं ने मुझको चुनकर भेजा। मैं तो दुर्ग के मतदाताओं का जब तक विधायक को एसी कमरे से बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, दुर्ग की जनता से सामना करो, सामना करो, सामना करो। अरे विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे लबरा विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे लबरा विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे लबरा विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपका कह रहा हूँ संदीप भैया से ले लिया हूँ, पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था कि कुछ वार्डों में पानी की समस्या है। मैं आपको कुछ बातें बहुत ही विस्तार से बताना चाहता हूं। हमारे दुर्ग नगर निगम में 11 MLD, 24 MLD और 42 MLD यहां से पानी सप्लाई होता है। 11 MLD से हमारे यहां 4 टंकी में पानी भरता है, 24 MLD में 7 टंकी में पानी, इन एरिया इन टंकियों से जहां पानी भरता है इन स्रोतों से, वहाँ पानी की कोई समस्या नहीं है। रही बात 42 MLD में, हमारे यहाँ 6 पंप है, अभी वोल्टेज अप डाउन के चलते 2 पंपों में कुछ प्रॉब्लम आया, जिसके चलते कुछ एरिया में पानी की समस्या आई। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ वहाँ टैंकर भेजा गया, और जिन टैंक 42 MLD में एक इंटेकवेल, एक मोटर आज हमारी बन जाएगी जो चालू हो जाएगी, जिससे पूरी समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये पूर्व परिषदों की गलतियों का परिणाम है। जब आप अमृत मिशन का DPR बन रहा था, 12 टंकी की 18 टंकी हो रही थी, तब आप क्षमता को क्यों नहीं बढ़ाए? 60 HP की मोटरों से वहाँ पर पानी इंटेकवेल से खींचा जाता है, वही 12 टंकियों में भरता तो वही 18 टंकियों में भरेगा। अभी हमारी परिषद के द्वारा 112 HP का 4 पंप खरीदा गया है, लगभग 1,60,00,000 की लागत का, जो 15 जुलाई के आसपास असेंबल हो जाएगा। और इनके खराब DPR के चलते दुर्ग में इन्होंने मात्र 20,000 नल कनेक्शन शिफ्टिंग का कार्य किया। आज हमारे दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में पुरानी पाइपलाइन, नई पाइपलाइन दोनों चल रही है, जिसके चलते भी कुछ परेशानी हो रही है। कुछ एरिया में पुरानी पाइपलाइन से पानी जाता है, कुछ एरिया में नई पाइपलाइन से चलते हैं। लेकिन हमारा काम दोष देना नहीं है, हम कार्यों को करने पर विश्वास रखते हैं। माननीय विधायक अरुण वोरा जी के मार्गदर्शन में अभी हम लोगों ने लगभग 24 किलोमीटर कई एरिया में इन्होंने पाइपलाइन विस्तारीकरण का भी कार्य छोड़ दिया, वहाँ आज भी पुरानी पाइपलाइन से पानी जा रहा है। हम लोग लगभग 5,56,00,000 की स्वीकृति एक शिक्षक नगर पानी टंकी को लेके और पाइपलाइन विस्तारीकरण को लेके हम लोगों ने इसमें शासन को भेजा है, लगभग स्वीकृति के उसमें है, जो जल्द ही स्वीकृति हो जाएगा। साथ ही पाइपलाइन शिफ्टिंग के लिए भी हम लोग 5 करोड़ के आसपास का भेजे हैं, जो बहुत ही जल्द स्वीकृति की ओर है। कहने का मतलब ये है कि हम आगे की प्लानिंग को लेकर काम कर रहे हैं कि 4 पंपों से, जब बड़े पंपों से पानी खींचेगा तो टंकी अच्छी से भरेगी, टंकी अच्छे में भरेगी तो जो हाइट वाले एरिया में वहाँ भी पानी जाएगा। ये प्लंबिंग का काम है, आप लोग इंजीनियर से मार्गदर्शन ना लेकर विधायक जी से मार्गदर्शन लेंगे तो काम तो फिर ऐसा ही होगा, जनता को तो पानी मिलेगा ही नहीं। नहीं नहीं, 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 ये आपकी गलत बात है, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। हाँ, विधायक जी का मार्गदर्शन नहीं, उनके अनुभवों का लाभ हम लोगों को लगातार मिल रहा है। नहीं, वो तो ये अलग विषय है, उनके अनुभवों का लाभ जैसा आपने कहा ना, हम लोगों को मिलता आ रहा है। उन्होंने 60 वार्डों में 6 बार चुनाव लड़ा है, और रही बात जितने विस्तार से मैंने आपको बातें बताई,
आप पिछले परिषद के लोगों से पूछिए कि इतनी बड़ी गलती उन्होंने क्यों की। दूसरी बात, अभी भी आप देख रहे होंगे कितने लोग आए थे, किन वार्ड के लोग ज़्यादा थे। वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 का पार्षद पिछले 15 साल तक तकलीफ में रहा। अब उनका कहना है कि पाइपलाइन वार्ड नंबर शिक्षक नगर टंकी गिरधरी नगर टंकी से जोड़ दिया जाए। वार्ड नंबर 4 के ही लोग उसमें ज़्यादा थे, लेकिन हमारा काम है हर व्यक्ति को पानी पहुंचे, किसी को भी पानी की परेशानी ना हो, इस जिम्मेदारी से हम हट नहीं रहे। बाहर भाजपाइयों का आरोप है कि महापौर का विजन अच्छा है, सोच अच्छी है, लेकिन वो विधायक की कठपुतली हो गए हैं। जो विधायक कहता वही कहते हैं। देखिए, उनको उनके पास कहने को कुछ नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो आप प्रदर्शन देख के ही समझ गए होंगे। उनको बोलना है, चुनाव सामने है, उनको बताना पड़ेगा कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो खुद भी जानते हैं काम में कहीं अड़चन। वो खुद भी इस बात को जानते हैं, जो कई सालों से काम नहीं हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, विधायक जी के मार्गदर्शन में दुर्ग शहर में चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है। ये जुलाई में जो असेंबल हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हो गया असेंबल? नहीं, ये क्योंकि भैया एक स्ट्रक्चर को देख के इसमें टाइम लगता है। पूना की कंपनी आज 1 साल पहले ही इसका सब प्रोसेस हो चुका है, लेकिन पूना की कंपनी उसको उसी जगह में बैठाना है जाके, तो वहाँ के स्ट्रक्चर के हिसाब से मोटर बनेगी। टेक्निकल काम है, टेक्निकल काम टेक्निकल हिसाब से ही हो तो अच्छा रहता है। ओके, थैंक यू।